नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ दीप्ति भटनागर। सरकार शहर के अलावा देहात में तैनात पुलिस कर्मियों के लिए आवास बनाकर देगी। दतिया में 19 करोड़ की लागत से बनने वाले पुलिस आवास का शिलान्यास करते हुए जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ये ऐलान किया। इस मौके पर पुलिस अधिकारियों सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक मौजूद थे। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस कर्मियों के रहने के लिए आवास की समस्या लंबे समय से महसूस की जा रही थी। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा के प्रयास में अब पुलिस कर्मियों को आवास मिल सकेगा। इस मौके पर मिश्रा ने पुलिस कर्मियों की कर्तव्यनिष्ठा, सहन, लगनशीलता की तारीफ करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्रों में पुलिस आवास तो बनेंगे ही, देहाती इलाकों में भी दरोगा, TI सहित अन्य पुलिस कर्मियों के लिए भी रहने के लिए क्वार्टर बनाए जाएंगे। मित्रों, ऐसा नहीं है कि ये शहर में ही अब हम बना रहे हैं। बातचीत हमारी लगभग अंतिम दौर में है, सरकार के पास में, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में। ग्रामीण क्षेत्र के भी जितने थाने हैं उन थानों में भी TI के लिए बंगला, थानेदार साहब के लिए बंगला और पुलिस के क्वार्टर, हम ग्रामीण अंचल में भी इसके हमारे जितने थाने हैं उस पर भी शुरुआत करें। सब समाज आगे बढ़े, भाव ये रहता है इन सब के पीछे। जिस दिन हम होली खेल रहे होते हैं ना, रंग और गुलाल उड़ा रहे होते हैं, उस वक्त कोई वर्दी पहने, हम ठीक से होली खेलें और शांति से त्योहार मनाएं, अपना त्योहार छोड़ के हमारा काम कर रहा होता है, आप सब ने देखा होगा कि वो कौन है। हम जिस दिन दिवाली मना रहे होते हैं ना, उस दिन उनके घर पे बच्चे पापा के आने का इंतजार करते हैं और हम लोग ठीक से फटाके चला लें, ठीक से दिवाली मना लें, उसके लिए कुछ पुलिस के लोग हमारी व्यवस्था में लगे रहते हैं अपने घर की दिवाली छोड़कर, उनके लिए क्वार्टर बन जाए, ये भाव हमारे मुख्यमंत्री का था। और दतिया के सिविल लाइन में हुए इस कार्यक्रम में पुलिस कप्तान मयंक अवस्थी सहित शहर के तमाम गणमान्य नागरिक मौजूद थे। इस योजना में 100 से अधिक आवास बनाए जाएंगे। पुलिस लाइन परिसर में 24 पुलिस अधिकारियों और लगभग 96 पुलिस कर्मियों के लिए आवास बनाए जाना है। दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए न्यूज आज।